पकड़वाना है थे स्मैक्यू को। तुम भी क्या, तुम भी नशा करते हो? हम करते हैं बीड़ी का। बीड़ी का और कुछ चीज का नहीं करते। बता रहा क्या कर रहा सोलूशन? ये तो मैंने कल करा था बस इन्हें भैया को। हाँ करते हो ना? हाँ। तो ये तो तुम्हें कोई रोकता नहीं, मना नहीं करता कोई? करता है। फिर भी करते हो? क्या क्या क्यों करते हो, क्या मन करता है? करने का मन करता है। क्या होता है नशा करने के बाद में, कैसा फील होता है? नशा हो जाता है। तो कुछ सब कुछ अच्छा लगता है? हाँ। दिमाग कैसा हो जाता है? दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, तो ये किसी ने रोका नहीं आज तक आपको? रोका है। पुलिस वाले ने कभी रोका? पुलिस वाले को हमने दिखे ही नहीं। दिखे? कितने बच्चे तुम्हारे, तुम्हारी यार दोस्त भी करते हैं सब? हाँ। कितने बच्चे नशा करते हो तुम इकट्ठे मिलकर? कम से कम 20-30। इकट्ठे मिलकर करते हो? ना। स्कूल गोल करके है ना? स्कूल गोल कभी नहीं करा। तो आज स्कूल नहीं गए? ना। क्यों नहीं गए स्कूल? मुझे तो 15-16 दिन हो गए स्कूल नहीं गए, मैं गाँव गए था। अच्छा, और यहाँ नशा करने आ गए आज? है नशा नहीं करा जी आज। चलो ठीक है। जी इसमें को देखना आए थे। इसमें क्यों क्यों देखने आए थे? तुम भी नशा करते हो? क्या करते हो नशे में? बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीते हो? और वो क्या सोलूशन, सोलूशन पन्नी भी पी रहे थे तुम? ना अंकल, मैं नहीं पीता। और कौन पीता है? यही पी मैं, कोबरे ओबरे। कोबरा क्या होता है? वो कोबरा जो लड़का है, लड़के का नाम। अच्छा, लड़के का नाम कोबरा है, ये पीता है? ये तुम्हारे सारे दोस्त पीते हैं क्या? अंकल हम नहीं पीते। पर कौन ला के देता है तुम्हें नशा? कोबरा। कोबरा कहाँ रहता है कोबरा? पता नहीं अंकल, घर का नहीं पता। तो कहाँ मिलता है तुम्हें? वो ऐसे फिरता रहा कहीं का कहीं। और वो नशे का सामान बेचता है? हाँ। पैसे कहाँ से लाते हो तुम? अंकल हम 10-20 रुपए मम्मी से ले लेते हैं। अच्छा, मम्मी बोलते हैं 10-20 रुपए का क्या करोगे? पूछती है अंकल हम ये चीज दिलवा के जा करती मम्मी है? चीज दिलवा के जा करती। अच्छा, और तो तुम चीज वापस कर देते हो दुकान को? अब चीज खा लेते हैं अंकल, मम्मी मना कर देती दुकान वाले से वापसी मत करियो। अच्छा, तो अंकल मम्मी को पता चल गया था। तो क्या नशा कर, जब नशा करते हो क्या होता है, क्या महसूस होता है? अंकल घूम जा सिर। सर घूम जा? तो कब से कर रहे हो काम? अंकल मुझे 2 महीने हो गए। किसने दिया था सबसे पहले? अंकल इन्होंने सिखाया था, इनके साथ रहकर सीख गया था। कोबरा, कोबरा सिखा रहा है आप लोगों को? तो क्या मतलब ये किसी ने रोकता ही नहीं आज तक किसी को? पता, घर वालों को पता है? अंकल पता है। वे कुछ नहीं करते घर वाले? मारते हैं। बहुत मारा तब भी नहीं छोड़ रहे? अंकल अब छोड़ दिया। अब कब छोड़ दिया? अब छोड़ देंगे। चलो ठीक है। इन्हें पकड़वाने आए थे स्मैकियो को। स्मैकियो को क्या यहाँ पे, क्या स्मैकी आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। क्या तो तुम भी नशा करते हो? हाँ भी कभी कभार पन्नी पीते हैं। पन्नी क्या होती है? सुलोचन। कितने बच्चे यहाँ पे नशा करते हैं? बहुत है। लगभग लगभग कितने हो गए? 30-40 हो गए। तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं? हमारी क्लास के नहीं। फिर आस पड़ोस के? आस पड़ोस के। अच्छा, कितनी एज के बच्चे होंगे? हो गए कोई 12 साल का, कोई 13 साल का। तुम्हारी उम्र कितना बेटा? मेरी 12 साल। 12 साल। कब से कर रहे हो ये काम? एक दो महीने होगा। एक दो महीने होगा। कैसे कोई कोई कुछ रोकता नहीं तुम्हें यहाँ पे? रोकता है। किसने रोका आज तक? पापा ने, मम्मी ने। पापा ने, मम्मी, पता है उनको? हाँ। पुलिस वालों ने कभी रोका कुछ? पुलिस वाले देखा, पुलिस वालों ने देखा कभी आपको? पुलिस वाले ने आप पकड़ा था एक दिन जब कोबरे के साथ थे, हमें नहीं पकड़ा था, कोबरे को पकड़ा था। अच्छा, शासन प्रशासन नशे के माफियों के माफिया को, मतलब जो नशा माफिया हैं उन पर अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहा है, बेबस नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं का संरक्षण देखने में आया है कि स्थानीय नेताओं का संरक्षण इसमें है, और जिसकी वजह से ये लगातार फल फूल रहा है कारोबार। घाट के किनारे देखिए, कब्रिस्तान में देखिए, छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में, नशा लेते हुए जो चरस, स्मैक, गांजा इस तरह का सेवन करते हुए देखे गए हैं। आखिर क्या कारण है कि शासन प्रशासन इस नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रहा है? कार्रवाई के नाम पर एक दो स्टोरों में छापेमारी दिखा दी जाती है, कुछ शराब के साथ में कुछ को गिरफ्तारी दिखा दी जाती है, और आम आदमी पार्टी शुरू से ही और जिस तरह से और जो सामाजिक संगठन है लगातार आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी लगातार अवैध नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और जो अब DGP जो बने हैं तो वो हरिद्वार में भी रह चुके हैं, हरिद्वार की हालत को जानते हैं,
तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि वो इस पर जो है जो भी नशा बेचने वाले हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और नशे के कारोबार पर कंट्रोल करें। आम आदमी पार्टी जो है सड़क पर नशे के खिलाफ जल्द ही अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। और जिस तरह से यशस्वी जो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री आज कहते हैं कि 2025 तक जो है नशे जो अवैध नशा है उस पर कंट्रोल की कर दिया जाएगा, तो ये सिर्फ जनता को ये भ्रमित करने का कार्य है, क्योंकि नेताओं के ही तो संरक्षण में ये सब कुछ काम हो रहा है। अगर नेताओं का ही संरक्षण ना हो, गली गली में नशे का कारोबार ना दिया जाए तो इनको डर ही नहीं है। जो जो माफिया हैं जो ये बेचते हैं उनको किसी बात का डर ही नहीं है। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो नेताओं के फ़ोन पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है आज भविष्य जो बच्चों का भविष्य है वो गर्त में नज़र आ रहा है। कोई मतलब युवाओं को जिस अवैध नशे ने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है।